वेलकम वेलकम सीरी किचन में आपका वेलकम। आज बनाती हूँ गोलगप्पे पानी पूरी बोलते हैं, सूजी के बनाती हूँ। घर पर बारिश हो रही है तो खाने का दिल चाह रहा तो सोचा गोलगप्पे बना लें, बनाना शुरू करती हूँ। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँचे। गोलगप्पे बनाना शुरू करती हूँ वो भी मेरे स्टाइल में। पहले अदरक के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए ये नींबू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया ले लिया है। इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। हरे धनिया को डाल देते हैं। तीखा वाला अदरक और मीठा वाला दोनों बनाएंगे। इसके साथ गोलगप्पे मज़ा आ जाए खाने में। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो गोलगप्पे बनाएंगे सूजी वाले। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे घर पर बनकर तैयार होते हैं। इसमें एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, नींबू निचोड़ देते हैं, तीखा वाला अदरक बना के इससे तैयार कर लेते हैं चटनी से। नींबू को निचोड़ दिया, इसमें थोड़ा आज डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं, ऐसे पीस लेते हैं। चटनी हमारी पिस गई, इसे निकाल लेते हैं। कितनी ग्रीन कलर की चटनी बनकर तैयार हुई है, ऐसी हरा हरा अदरक बनकर तैयार होगा। साइड से रखते हैं। एक बाउल ले लिया, इसमें अदरक बना लेते हैं। इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं, इसमें आइस नहीं डालेंगे, ठंडा पानी डालना है। अगर इसमें नमक कम हो, नमक मिर्च तो इस टाइम पर डाल लें। इसमें बूंदी डाल देते हैं, बूंदी। बूंदी डालकर मिक्स कर देते हैं। थोड़ा काला नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच। ऐसे फ्रिज में रख देते हैं तब तक के लिए। अब मीठी वाली अदरक बना लेते हैं, मीठा वाला। ये 100 ग्राम इमली है, मैंने गर्म पानी में 2 घंटे पहले फुला दी थी। इसमें 100 ग्राम चीनी डाल लेते हैं 100 ग्राम इमली में। इसमें डाल लेते हैं एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच काला नमक, 2 चम्मच सोट का पाउडर, जो पिसा हुआ अदरक का पाउडर होता है वो डाल देते हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर देते हैं। इसे गैस पर रख देते हैं, मीडियम गैस पर। थोड़ा पानी डाल देते हैं। इसे कम से कम 5 मिनट तक खूब पकने देते हैं। अच्छा उबाल आ गया है। इमली हमारी जो थी फूली हुई थी, और चीनी डाल के इसे थोड़ी देर पका लेते हैं, 5 से 6-7 मिनट। और इसे गैस को ऑफ कर देते हैं, इसे छान लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं, फिर छान लेते हैं। पहले गोलगप्पों के लिए डो लगा लेते हैं। ये 1 कप सूजी ले ली, आप चाहें जितने बनाएं 2 कप ले लें, मैं 1 कप ले रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक डाल लेते हैं, नमक डाल कर मिक्स कर लेते हैं। मैंने ऑयल डाल लिया है, हल्का ऑयल, गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा ऑयल मैंने गर्म कर लिया था। ऑयल को मसल लेते हैं। ये हलवे वाली सूजी है जिससे हलवा बनाते हैं, वो वाली सूजी। बहुत ही बढ़िया कुरकुरे गोलगप्पे बनते हैं। ऑयल को मैंने सूजी के साथ मिक्स कर दिया है। ले लेते हैं गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। ज़्यादा सख्त डो नहीं लगाना, सॉफ्ट लगाना है। सूजी जो है फूलेगी तो ये कर्रा हो जाएगा डो। डो हमारा लग गया है, इसे थोड़ी देर मसल लेते हैं। इसमें आधा कप पानी लगा, मैंने 1 कप पानी लिया था, ये हल्का गर्म पानी था। इसे कवर करके रख देते हैं जब तक मीठा वाला अदरक बना लेते हैं। जो इमली और मैंने सब चीज़ चीनी उबाल कर रखी थी उसे छान लेते हैं।
ठान लिया है। अरक को छान लिया है। इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और इसमें भी जो आधी बची बूंदी है वो डाल देते हैं। डो को चेक कर लेते हैं, डो अच्छी तरीके से फूल गया है। इसे 5 मिनट के लिए हाथ से मसल लेते हैं, काफ़ी इसे पटक पटक कर मसलना है। ये वीडियो बड़ी हुई रही थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अपनी सूजी को काफ़ी देर मसला है, इसका डो बिल्कुल बन गया है। इसकी छोटी छोटी बॉल्स काट लेते हैं, नींबू से भी छोटी, जितने बड़े आप गोलगप्पे बनाएं उतनी लोइयां बना लें छोटी छोटी। ऐसा नहीं बेल कर कवर कर कर रखना है, हाथ के हाथ तेल में डाल देना है। एक बनाएं और तेल में डाल दें, एक बनाएं तेल में डाल दें। इसी तरीके से सारी पानी पूरी बना कर तैयार कर लेते हैं। बाकी जो दो बचाव से कवर करके रख देते हैं, एक एक लोई लेते जाते हैं, बेलते जाते हैं। सूजी के गोलगप्पे जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, हम भी लंबे वाले बना रहे हैं। तेल जो है हॉट गरम है, इस पर डाल देते हैं। इसे डाल कर करछली नहीं लगाना, ये अपने आप फूल जाते हैं। बेलते जाएंगे, डालते जाएंगे। सारे गोलगप्पे इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अपने आप से फूल हैं फ्रेंड, कितने बढ़िया गोलगप्पे बने हैं। इन्हें दोनों तरफ से प्लेट का फ्राई कर लेते हैं। गोलगप्पे फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे गोलगप्पों को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी बातें ध्यान रखने की हैं, सूजी का डो जो है सॉफ्ट लगाएं, कर्रा ना लगाएं, और सूजी को जब 15 मिनट के बाद उसे थोड़ी देर मसल लें। गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें सर्व करते हैं। इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं। उबले हुए आलू तोड़ कर हमने रख लिए थे। छोले चाहे आप छोले डाल लें, मटर डाल लें, जो चीज़ आपके घर पर वो डाल लें। इसमें अरक डाल देते हैं, ये मीठा वाला, जैसा वाला अरक आपको पसंद हो वो डाल लें, तीखा वाला या मीठा। मैं दोनों तरह के बना रही हूँ। गोलगप्पे बनकर हमारे तैयार हैं, इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बने हैं, कुरकुरे क्रिस्पी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।